दोस्तों, क्या आप किम कार्डशियन का मेल वर्जन देखना चाहेंगे? तो क्या आप भी बार्बी जैसे लुक को पाने के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? और अपने आप को पूरी तरह से कार्टून कैरेक्टर में बदल देने वाली इस महिला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी घूमे हुए लोगों की कलाकारी हम बताने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर वन, एंटनी एडवर्ड्स। दोस्तों, आपको जेसिका रैबिट फिक्शन नाम के कैरेक्टर की याद आती हो तो याद कर लीजिए, जिसके फिजिकल अपीयरेंस के लोग दीवाने हुआ करते थे। लेकिन एंटनी नाम की इस महिला ने जेसिका रैबिट जैसे आकर्षक फिगर के लिए अपनी बॉडी पर ऐसी ऐसी सर्जरी कराई जिसके पीछे लाखों रुपए भी उड़ा दिए। इन्होंने अपनी नकली जेसिका रैबिट वाले लुक के लिए सभी लोगों को हिला कर रख दिया। हालांकि जब इन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी कराई तो ये ऑलरेडी 57 साल की थी। इसी के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी खरगोश की मालकिन भी रह चुकी हैं। नंबर टू, हबर्ट चिवास। दोस्तों, सुपर हीरो का फैन होना तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन खुद को सुपर हीरो में तब्दील कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। जहां हबर्ट नाम के ये शख्स सुपरमैन के इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को सुपरमैन की तरह बदलने के लिए इतनी सर्जरी कराई कि ये काफी हद तक अब सुपरमैन की तरह दिखते तो हैं। हालांकि इन्होंने सुपरमैन के परफेक्ट फेस को पाने के लिए 26 अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज भी कराई हैं। इसके अलावा हबर्ट बचपन से ही सुपरमैन के इतने बड़े फैन थे कि इन्होंने सुपरमैन के सभी टॉयज मैगजीन कलेक्ट करके आज तक संभाल के अपने घर में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जिसके अनुसार हबर्ट दुनिया के एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सुपरमैन के सबसे ज्यादा टॉयज को कलेक्ट किया है। हालांकि हबर्ट सुपरमैन की तरह दिखने के लिए इतने ज्यादा बेताब हो गए थे कि इन्होंने स्किन वाइटनिंग से लेकर ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कराए जिसके लिए इन्होंने हद से ज्यादा दर्द भी सहा। नंबर थ्री, क्लाउडिया सेरा। दोस्तों, अमिलिया क्लाउडिया सेरा नाम की इस इंटीरियर डिजाइनर से जिसे डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मिलेनिया इतनी ज्यादा पसंद है कि कसम खा ली, एक बार तो जिंदगी में मिलेनिया जैसा रंग रूप पाकर ही दम लेंगी। इसके लिए खुद को मिलेनिया में ट्रांसफॉर्म करने का पूरा मन बना लिया। मिलेनिया जैसा चेहरा पाने के लिए $50,000 खर्च कर दिया। इन्होंने अपने चीक्स, बोन, चिन, पेट शेप सब कुछ ठीक कराने की कोशिश की। लेकिन जब एक दिन डेट पर लड़के के साथ गई तो लड़के ने क्लाउडिया को कह दिया कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। हालांकि उस समय क्लाउडिया सिर्फ 41 साल की थी, मगर कितनी भी कोशिश कर ले इसके बाद क्लाउडिया मिलेनिया नहीं बन पाई। नंबर फोर, ओली लंडन। दोस्तों, पिछले कुछ साल के कोरियन पॉप सिंगर की बात कर लें, हर जगह छाया हुआ है जिससे BTS बैंड का बोलबाला आज पूरी दुनिया में चलता है। इन सात लड़कों के ग्रुप में सभी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। इस वजह से कई सारे लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं और कई सारे लोग तो इनकी तरह दिखना भी चाहते हैं। जहां UK की रहने वाली ओली लंडन को ले लीजिए, जो एक बैंड के मेंबर जिसका नाम जमीनी है उसकी तरह दिखना चाहती है। इसी वजह से ओली ने अब तक दर्जनों सर्जरी करा ली है और इसके लिए करीब $95,000 तक भी खर्च कर दिया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओली लंडन एक ब्लॉगर हैं जो जिमिनी जैसी सूरत पाने के लिए नाक की 3 बार सर्जरी कराई थी, जबड़ों को भी छोटा कराया था और पता नहीं क्या क्या अपने साथ कराया था कोरियर सिंगर की तरह दिखने के लिए। मगर इस तरह से पैसे को पानी की तरह बहा देना एक नॉर्मल बात हो, लेकिन एक सिंगर की जैसा लुक पाने के लिए इतनी मेहनत हमें हैरान करती है। नंबर फाइव, जॉर्डन जेम्स पार्क। दोस्तों, कुछ साल पहले हॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस किम कार्डशियन ने सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचाया कि इनके जैसे लुक और फिगर के लिए हर लड़की बेताब। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक लड़का भी इनकी तरह दिखना चाहता था। जी हाँ, मिलेनिया जॉर्डन नाम के शख्स से मिली जो किम का मेल वर्जन बनना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने किम कार्डशियन के हॉट लुक को पाने के लिए हद से ज्यादा सर्जरी अपने ऊपर करवा ली। इनके हॉट चीक्स हो, नाक हो, पूरी तरह से बदल के रख दिया। इन सभी सर्जरी को कराने में करीब $1.5 लाख का खर्चा भी आया, मगर फिर भी कार्डशियन का 1% भी दिखाई नहीं देते। हालांकि जॉर्डन अभी भी अपने इस लुक से संतुष्ट नहीं है, जिसे चेंज कराने के लिए आगे भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते रहेंगे। मगर मानना पड़ेगा भाई कि किम के इतने बड़े फैन हैं, लेकिन इस तरह से लगातार किम बनने की चाह रखने वाले जॉर्डन को ना अभी तक किम कार्डशियन की तरफ से कोई मैसेज या प्रपोजल आया नहीं है उनसे मिलने के लिए। नंबर सिक्स, रोजारियो एल्विस। दोस्तों, बचपन में तो सभी लड़कियां बार्बी डॉल से खेला करती हैं, बड़ी होकर हूबहू दिखने का ख्याल भी मन में पालती हैं। लेकिन क्या लड़कियां सिर्फ बार्बी को ही पसंद करती हैं? जी हाँ, ब्राजील में रहने वाली एल्विस को न जाने बार्बी से ऐसा क्या लगा हुआ कि खुद को ही बार्बी में बदलने का फैसला ले लिया। दर्जनों से ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी करा डाली। अपने आप को बार्बी की तरह गॉर्जियस दिखाने की कोशिश तो की थी, लेकिन इन सर्जरी से कम $8 लाख खर्च कर दिया। बावजूद इसके इनके रूप में बार्बी के बजाय किसी भैंसे की अक्स को देखा जा सकता है। इनका पूरा सूजा चेहरा देखकर यही कहना चाहेंगे कि आपने जो अपना कबाड़ा बनाया है ना, वो वापस कभी ठीक नहीं हो सकेगा। फैन होना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को बिगाड़ के नहीं। तो दोस्तों, इन लोगों की बेवकूफ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनकी इन हरकतों के लिए ऑस्कर से सम्मानित कर दिया जाए क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और भी दिमाग घुमा देने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।